हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ ऑफिस गोइंग गर्ल मेकअप। ऑफिस गोइंग गर्ल मेकअप गाइज बहुत लाइट होना चाहिए, बहुत डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत नॉर्मल सा होना चाहिए। गाइज आज की वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। अगर आप लोग उनको बाय करना चाहते हो तो आप मेरे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उनको बाय कर सकते हो। मैंने सारे प्रोडक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके उनको बाय कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गुड वाइब्स का रोजिप टोनर लिया है। टोनर लगाने से हमारे फेस के जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं और जो हम मेकअप करेंगे उसका बेस बहुत अच्छा बनता है, स्किन एकदम फ्लॉलेस लगती है। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है, लैक्मे पीच मिल्क। मॉइस्चराइज़र लगाने से जो हम फाउंडेशन वगैरह या बीबी क्रीम हम अप्लाई करते हैं वो बहुत अच्छे से टिकी रहती है सारा दिन और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। मॉइस्चराइज़र हमारे फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन एकदम स्मूद हो जाती है, ग्लोइंग लगती है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने ये बायोटिक का लिप बाम लिया है। लिप बाम लिपस्टिक लगाने से पहले लगाना चाहिए, जो हमारे जो क्रैक लिप्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं लिप बाम लगाने से। लिप बाम अप्लाई करने के बाद मैंने लैक्मे 925 सीसी क्रीम ली है। मेरा शेड है ब्रोंज और मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको अपने पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। डॉट डॉट करने से गाइज हमारे जो हमारे स्किन के अंदर जो पैचेस बनते हैं वो पैचेस नहीं बनते। इसको मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया और मैं अब इसको अपनी नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा फेस और मेरी नेक इक्वल लगे। ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसके बाद मैं इसको अपने पूरे फेस पर डैब डैब करके अच्छे से अपनी जो क्रीम है उसको ब्लेंड करूँगी। धीरे धीरे मैं अपनी क्रीम को ब्लेंड कर लूँगी। गाइज आप इसको ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैं इसको अपनी नेक पर ब्लेंड करूँगी और जब ये सारा ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद हम फेस पाउडर अप्लाई करेंगे। गाइज मैंने मेबलिन फिट मी का फेस पाउडर लिया है, बहुत लाइट वेट है, डेली यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसको ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे लगाया, ज़्यादा भर के नहीं लगाया, बहुत लाइट लाइट सा लगाया। उसके बाद मैं इसको अब अपने नेक पर अप्लाई करूँगी। मैंने ये वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पैलेट लिया है और मैंने इसमें से मीडियम वाले शेड को चूज़ किया है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर अपनी आईब्रो के ऊपर लगाऊंगी। मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, बहुत डार्क कलर की नहीं है, मैं इसलिए लाइट कलर का इसमें जो कलर है वो लेकर अपनी आईब्रो के ऊपर लगा रही हूँ। एक बार में भर के हमने प्रोडक्ट नहीं लगाना है, हमने बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ करना है ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है और जो हम लगा रहे हैं उसकी ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए। अब मैं दूसरी आईब्रो पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट आईब्रो के ऊपर अप्लाई किया था थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर, वैसे ही मैं दूसरी अपनी आईब्रो के ऊपर भी ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईब्रोज मेरी डन हो गई हैं और उसके बाद मैंने इसी पैलेट में से लिया ये मिडिल वाला शेड और इसको मैं लोअर वाटर लाइन पर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। दूसरी साइड भी इसको अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने ये फेसेस का काजल लिया है, इसको मैं अपनी आईज पर अप्लाई कर रही हूँ। वाटरप्रूफ काजल है ये, आप ट्राई कर सकते हो। मैंने दूसरी आईज पर भी इसको ट्राई कर लिया। उसके बाद ये मैंने मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा लिया है, इसको मैं अपनी लैशेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। मैं इसका बस सिंगल सिंगल कोट लगाऊंगी, डबल कोट नहीं लगाऊंगी। बहुत अच्छा मस्कारा है गाइज। उसके बाद मैंने ये मेबलिन फिट मी की लिपस्टिक ली है,
इसका ये शेड है 05, कीप इट मेलो, पीचिश पिंक कलर है ये, और ये मेरी टॉप के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है। इसको मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई कर लिया, ये मैट लिपस्टिक है, और ये मेरा मेकअप डन हो गया। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।